अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इब्राहिम कठाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली हमें एक चीज़ देखने को मिली, वो ये थी कि बलूचिस्तान वाली साइड पे शदीद कहत साली का मंज़र हमें देखने को मिला, जिसमें अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे जानदार चीज़ें, इंसानों की भी काफ़ी डेथ हुई और जानवरों की भी बहुत ज़्यादा डेथ नज़र आई, और बहुत उधर कहत साली बहुत डीपली नज़र आई। तो ऐसे मौके पे हमने देखा कि हमारी सियासी पार्टीज़ उस दौरान बहुत कोशिश कर रही थी कि हुकूमत, तो बिल्कुल ये उसी देर की बात है जब ये पीडीएम की पूरी कोशिश चल रही थी, पीडीएम की तहरीक चल रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और इमरान खान को भी हटाया, और वो भी फिर हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और ये सारा सिलसिला हुआ। अच्छा, इस सारे सिलसिले में जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ साहब से डायरेक्टली ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिसने भी उस दौरान एहतजाज, धरने, जलसे, जो कुछ भी किया, उसमें कितने लोग, कितनी ऐसी पार्टीज़ थी जिन्होंने उस तरफ के वाले से बात की कि उधर क्या हालात चल रहे हैं हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे, या जहाँ जहाँ पे कहत साली का और गर्मी की शदीद लहर की वजह से मसले थे, उस तरफ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। किसी एक पार्टी की भी हमें, एक आध पार्टी है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि जी आप तो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना, उस पार्टी को समझना, ये अवाम के शऊर की बात है कि अवाम इतनी शऊर में हो कि उनको पता हो कि कौन सी पार्टी है जिसने उस तरफ एक्टिविटी करने की कोशिश की है, और उन लोगों की मदद करने की कोशिश की है, कौन से अदारे हैं जिन्होंने कोशिश की है। लेकिन अगर हमारी ये जो करंटली पार्टीज़ हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो तीन बड़ी तहरीकें समझी जाती हैं, पार्टी समझी जाती हैं, इन लोगों ने क्यों कोशिश नहीं की? इनकी कोई एक्टिविटी हमें नहीं नज़र आ रही कि उन्होंने उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, कोई उनकी इस कहत से निकालने के लिए, निकलने में मदद की हो, कि कोशिश की हो। तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि क्या ये इनके एहतजाज, धरने और जलसे जो हम अटेंड करते हैं, और बड़े अपना भी टाइम भी लगाते हैं और अपनी पावर भी लगाते हैं, अपनी एनर्जीज भी लगाते हैं और अपनी मनी भी स्पेंड करते हैं जाने आने के लिए, क्या ये हम सही बंदे के पीछे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सही पार्टी के पीछे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। और दूसरी तरफ हमें, मेरा ख्याल है कि हमें अपना फोकस उन पार्टीज़ की तरफ और उन लोगों की तरफ करने की ज़रूरत है जो इस मौके पे काम करती रही हैं, जिन्होंने ये धरने, एहतजाज और इन चीज़ों का हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने कोशिश की है उस तरफ की, कहत वाले इलाकों में गए हैं, उधर जाके अपनी खदमात अंजाम दी हैं। इसमें बहुत सारे अदारे शामिल हैं, जैसे लाइफ केयर का अदारा है, केयर फाउंडेशन का है, उसके बाद अलखदमत ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वाले से की हैं। अलखदमत का मैंने जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी हैं वो अलखदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की देखी हैं, और उन्होंने बेलौस खिदमत करने की कोशिश की। तो हमें कोशिश है कि इनके पीछे, इन इदारों के पीछे जो पार्टीज़ हैं या फिर ये जो इदारे हैं, इस तरह की चीज़ों को हम सपोर्ट करें, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें, और अगर इस तरह की कोई कहत साली आती है तो हम इस तरह की जगहों पर जाने की ज़्यादा कोशिश करें, ना कि उनके पीछे जाएँ कि जो सिर्फ वोट के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए हमें निकाल रहे हैं, हमारी को पीछे लगे हुए हैं कि अच्छा निकलो, अपने घरों से निकलो, अपनी मैन पावर शो करवा रहे हैं ताकि सबको नज़र आए कि अगली हुकूमत हमें ही देनी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पर ज़रा कोशिश करें, इस चीज़ को फोकस करें, और जो रियल में इंसानी खिदमत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करना चाहती हैं पार्टीज़, उनके पीछे हैं ताकि उनकी एक हौसला अफजाई हो और उन लोगों को प्रमोट करें जो इंसानी हमदर्दी रखते हैं, ताकि इंसानियत की कोई फलाह बहबूद का काम हो सके, कोई भलाई का काम हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी इन बातों को थोड़ी सी तवज्जो देंगे और इस तरफ से सोचना शुरू करेंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया आपका वीडियो देखने का जी, शुक्रिया।